इससे पहले कि हम कविताओं का सिलसिला शुरू करें, कुछ बातें आपसे साझा करना चाहते हैं। ये कोई मार्च 2015 की बात थी, जब कुछ लोग सोच रहे थे कि ऐसी बैठकें होनी चाहिए जहां साहित्य केंद्र में हो और मैं पीछे हो। तो ये मैं बड़ी अजीब सी चीज़ है और इसकी व्याख्या के लिए बहुत सारा समय चाहिए, पर आप समझ रहे होंगे। कम से कम शुरुआत में जहां ऐसी बैठकें शुरू हों, कम से कम इतना तो हो कि साहित्य आगे आगे रहे और मैं पीछे पीछे बहुत पीछे रहे। दरअसल होता क्या है कि हमें मालूम है कि यहाँ पर हम अपनी रचनाएं नहीं पढ़ते हैं, तो एक तरह से अपनी लिखी हुई रचनाओं को भी हम पीछे छोड़ते हैं अगर हम कवि हैं तो, और एक तरह से उसके साथ जुड़ा हुआ मैं भी पीछे छोड़ते हैं। लेकिन ये मैं इतना स्ट्रांग होता है कि ये कई तरीके से सामने आता है, बहुत तरीके से सामने आता है। मसलन अगर मैं जो आज कविता पढ़ने वाला हूँ उसकी कितनी तारीफ होने वाली है, मेरी कविता तो ज़्यादा जम गई, उसकी कविता नहीं जमी, ये सब मैं के कुछ दूसरे रूप हैं। एक बार एक बैठक में और इसलिए हम ये जानना चाहते हैं हमेशा कि कविता आई कहाँ से है, लिखी किसने है, उसका सोर्स पता रहे, कहीं आप खुद अपनी ना पढ़ लें। एक बार एक बैठक हुई थी देहरादून में, तो दो साथी हमारे उसमें नहीं बता पाए थे, उनको कविता तो पसंद थी, उन्होंने अपनी कविता पसंदीदा कविताएं सुनाई, लेकिन उनको सोर्स पता नहीं था। तो सबने कहा कि आपको पता होना चाहिए, लेकिन बैठक के आखिर में हमें पता चला कि उन दोनों ने एक दूसरे की सुनाई थी। तो ये मैं बहुत तरीके से सामने आता है, और वो कोई आम जन भी नहीं थे, स्थापित लोग थे, और वो शायद इस बात को पसंद नहीं कर रहे थे कि मेरी कविता क्यों नहीं। तो मेरी कविता के लिए तो बहुत जगह है ना, हैं, जहाँ हैं वहाँ हों आपकी कविताएं, बिल्कुल हों, और हम भी वहाँ जाते हैं, हम भी वहाँ आना पसंद करेंगे। लेकिन हमने एक ऐसी जगह बनाई है जहाँ हम अपना पढ़ा हुआ अपने दिल के करीब का कुछ साझा कर रहे हैं, और साहित्य में भी हमने कविता को चुना, जो हमारा मानना है कि बहुत सहज रूप से आम जन के करीब आ जाती है, और हमें पता भी नहीं चलता कि कब कौन सी कविता, कौन सा गीत, कौन सी लोरी, कौन सी धुन हमारे अंदर आ गई है, कौन से शब्द हमारे अंदर आ गए हैं। मैं कह रहा था कि मार्च 2015 के आसपास ये विचार आया, और एक साल लगा इसको शुरू करने में। अब ये यात्रा 4 साल पुरानी हो गई है, और दिल्ली में 3 साल पूरी हुई हैं, इस यात्रा को, बल्कि ये महीना हमारे साल गिरह का महीना भी है। 5 फरवरी को पहली बैठक 5 फरवरी 2017 को हुई थी, और 3 साल पूरे किए हैं हमने। और ये बैठकों का ये सिलसिला देहरादून उत्तराखंड में शुरू हुआ था, तो उस तरह से 4 साल हो गए हैं। पर 3 साल हुए 4 साल हुए या देहरादून हुए या दिल्ली हुए, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जितना ये इम्पॉर्टेंट है कि कुछ साथी हैं, कुछ साथी थे, कुछ साथी और हैं, जो ये चाहते हैं कि ये कविता का ये कारवां आगे बढ़ता रहे, और हम ऐसी महफिलें, ऐसी बज़्म, ऐसी बैठक जगह जगह करते रहें। तो उसी का एक एक्सटेंशन है निशस्त दिल्ली कविता कारवां का। कविता कारवां उन बुनियादी चीज़ों का नाम है जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, और हमारे साथ ही पूरे उत्तराखंड भर में हैं। उत्तराखंड हम इसलिए कह रहे हैं कि वहाँ से शुरुआत हुई थी, और मज़े की बात यह है कि उत्तराखंड में करीब 13 जिले हैं, तो लगभग सभी ज़िलों में कविताओं की ऐसी बैठकें होती हैं। तो और दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम बहुत ऑर्गेनाइज्ड ढंग से ये इनफॉर्मल बैठक करते हैं। तो 2 बड़े अनुभव हमारे पास हैं, दिल्ली का और उत्तराखंड का। उसके अलावा ये बैठकें और जगह भी होती हैं, मुंबई में कुछ साथी हैं, लखनऊ में कुछ साथी हैं, और जगह। तो अब जब हम कविता कारवां कह रहे हैं, और आप आज ये भी देख रहे होंगे, तो कविता के साथ कविता कारवां, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये अब हम सिर्फ हम ये जो आज जो कुछ यहाँ पे होगा वो सिर्फ
उस पर नज़र सिर्फ दिल्ली के कुछ साथियों की नहीं है और तमाम जगहों में हिंदुस्तान के उनकी भी नज़र है कि अच्छा वहाँ कविताएँ पढ़ी जा रही हैं। ये जगह ऐसी जगह हो कि यहाँ हर एक कंफर्टेबल फील करे, यानी हर आम यहाँ आ सके। हर आम हमारे लिए ख़ास है और हर ख़ास भी यहाँ आम की तरह आ सके, वो उस तरह से ख़ास है। तो ये एक सहजता हो यहाँ आने में, और हर पाठक, ये पाठक का मंच है और हम जानते हैं कि कवि भी पाठक होता है। उस कवि का जो पाठक के रूप में यहाँ आता है, हम हमेशा स्वागत करते हैं। और अलग अलग ढंग से हम कवि भी होते हैं, कुछ ज़्यादा जान लिए जाते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं जान लिए जाते हैं। पता नहीं इस बैठक में कुछ नाम हो सकता है, नाम कुछ लोग नामचीन हों, कुछ लोग गुमनाम हों, लेकिन वो भी अच्छा कलाम लिखते हों। मैं जो कविता कारवां के जिसे निशस्त फॉलो करता है उद्देश्य हैं, उनको पढ़ देना चाहता हूँ हमारे याददाश्त में और गहरे उतरने के लिए। पहला, कविता कारवां का उद्देश्य कविताओं को पाठक तक पहुंचाना और कविता के पाठकों को अपनी प्रिय कविताएं साझा करने की जगह बनाना। दूसरा, कविताओं के मर्म पर कविता के इर्द गिर्द बात होना, कविता और समाज की दोस्ती बढ़ाना। तीसरा, साहित्यिक परंपरागत साहित्यिक गोष्ठी की जगह पाठकों की भागीदारी का ठीहा बनाना। चौथा, पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देना। पांच, अपनी भाषा से लेकर दुनिया की अन्य भाषाओं के साहित्य से परिचय बढ़ाना। छह, सामूहिकता का सुख बांटने का दायरा बढ़ाना। और सात, जो है तो आखिर में लेकिन जिसकी शायद सबसे ज्यादा जरूरत, कविता के माध्यम से सामाजिकता और आपसी संवाद को बढ़ावा देना। तो ये हमने ये उद्देश्य हैं जो कविता कारवां जिनको लेकर के ये बैठकें करता है, और वही निशस्त भी। और इस बैठक के दो तीन कायदे हैं जो मैं कुछ लोग नए हैं लेकिन उनको भी ये मालूम होगा, और जो पहले से आते हैं उनके लिए दोहराव होगा, लेकिन फिर भी इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारी इन बैठकों की जो दो तीन जरूरी बातें हैं। पहली, बैठक में अपनी रचना नहीं पढ़ी जाती, बज में अपना कलाम नहीं पढ़ा जाता। और मैं तो इसमें ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि ना अपने मित्रों और अपने रिश्तेदारों का कलाम पढ़ने से भी हम परहेज रखते हैं, तो उस लिहाज से हम उसको भी प्रमोट नहीं करते कि इनको पढ़ा जाए, इनको पढ़ा जाए या उनको पढ़ा जाए। दूसरा, बैठक में पढ़ी जाने वाली कविता का चयन, जैसा कि आप जानते हैं, बैठक के लिए तय कवि, कई बार हम तय करते हैं कि ये पोएट पे होगा, और कई बार हम टाइटल रखते हैं, थीम रखते हैं, तो उसके अनुसार निशस्त दिल्ली की टीम करती है। तीसरा, छोटा लेकिन वो भी महत्वपूर्ण, तीसरी बात ये कि जब आप लोग कविता पढ़ने यहाँ आएंगे तो कविता से पहले अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो ज़रा संक्षेप में बोलें। कई बार ऐसा हो जाता है कविता छोटी होती है और उसकी भूमिका लंबी होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सिर्फ श्रोता नहीं है, कोई भी सिर्फ दर्शक नहीं है, यहाँ हर एक एक्टिव मेंबर है। ये खूबी है इस बैठक की, और भले ही वो सुनने भी आया है तो इज़ अ एक्टिव लिसनर, यहाँ वो मजबूरी भी नहीं आया है कि इसके साथ चलूँ, सुनने चलते हैं। यहाँ हर एक पूरे मन से, दिल से यहाँ पे आया है, तो उसके समय की कीमत को समझते हुए भी जब हम कविता पढ़ेंगे यहाँ पे, तो उससे पहले, और ज़रूरी नहीं है कि उससे पहले कोई भूमिका बनाई जाए, कविता अपने आप अपनी बात कह सकती है, लेकिन अगर आपको लगता हो कि कुछ बात आपको कहनी है तो उसे बहुत बहुत संक्षेप में रखिए। तो एक बार हम सब अपने आप का ही स्वागत ज़ोरदार ढंग से कर लेते हैं और इस बैठक को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ तक आने में, ये सब सजाने में बहुत सारे लोगों का साथ है, उनमें आप लोग तो ख़ास हैं ही, जो सब बैठे हैं जो यहाँ पढ़ेंगे। उन्हीं साथियों में से एक साथी जो इस इंतज़ाम में शामिल हैं कि ये हो सके, हमारी साथी प्रेरणा, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और इस बज्म को आगे बढ़ाने का कार्यभार संभालें। प्रेरणा,
शुक्रिया सुभाष जी. मेरी जबान से निकली तो सिर्फ नज्म बनी, तुम्हारे हाथ में आई तो मशाल हुई. दुष्यंत कुमार ने एक बार कहा था कि हम भूखे मर जाएंगे पर लोग हमें याद करेंगे, क्योंकि हमारे पास कविताएं भी हैं और कहानी भी. हमारी मुक्ति हमारे लेखन में ही है. निशस्त परिवार की तरफ से आप सभी को मेरा, प्रेरणा निर्मल का बहुत बहुत नमस्कार, अभिनंदन. हमारा आज का विषय वो सुबह कभी तो आएगी, प्रतिरोध, उम्मीद और सद्भावना की कविताओं का एक जखीरा है. ये तीनों जज्बात एक दूसरे के गैर मौजूदगी में कारगर नहीं है. ऐसा प्रतिरोध जिसमें उम्मीद की उंगली थाम कर सद्भावना तक ना पहुंचा जाए बेमानी है. एक लड़ाई है महज लड़ाई के लिए. कविताओं और जन संघर्षों का नाता नया नहीं है. इतिहास के सफ़ों को पलटा जाए तो मालूम पड़ता है कि कैसे जनवादी नगमों और कविताओं ने इंसानी ठंडेपन और आत्मसात की जा चुकी उदासी में एक नई ऊर्जा का संचार किया है. कविता कभी आक्रामक हो जाती है तो कभी वो आक्रामक ना होते हुए भी इंसानी जहन पर ऐसी चोट करती है कि तकलीफ गुनगुनाहट के जरिए बाहर आती है. हम सब जानते हैं कविता साहित्य की वो विधा है जिसमें मानवीय अभिव्यक्ति अहम है. कविता बहुआयामी है. यदि बैठक में आज पढ़ी जाने वाली बाकी कविताओं से पहले कविता के इन आयामों का जिक्र हो जाए तो ये ऐसा ही होगा जैसे सोने पे सुहागा. इसी इरादे से लीजिए, सबसे पहले पेश करते हैं शील जी की कविता हम कविता का व्यवसाय नहीं करते, जिसे पेश कर रहे हैं सुहेल शेख. नमस्कार राधे राधे. तो मैं जो कविता पढ़ने जा रहा हूँ वो शील जी की है, और मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि मैंने ये कविता पढ़ी और मुझे अच्छी लगी और मैंने सोचा कि इसी को पढ़ा जाए. और मैं इस कविता को ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं पाया हूँ, बट फिर भी कोशिश करूँगा कि मैं इसको पढ़ूँ. और अच्छी बात यह है कि निशस्त दिल्ली हमेशा अवसर देता है, मौका देता है, और बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए. और गलतियों को माफ़ करें, तो इजाज़त चाहता हूँ मैं. हम कविता का व्यवसाय नहीं करते. वस्तु या पदार्थ नहीं, जींस नहीं, जादू नहीं. वस्तु या पदार्थ नहीं, जींस नहीं, जादू नहीं. उत्पीड़ित की देह पर सवार विलासी सभ्यता के सिर पर चढ़कर बोलती है कविता. अक्षत चेतना के द्वार खोलती इतिहास को दृष्टि देती है कविता. हम कविता का व्यवसाय नहीं करते. कविता ना बिकती है ना खर्च होती है, निरंतर संवेदना को स्वर देती है. पूंजी तंत्र में कविता और न्याय एक वस्तु है. कवि और न्यायिक बिकते हैं वस्तु की तरह. पाश और सफदर हाशमी की हत्या इसीलिए कि उनकी कविता निरंतर संवेदना को सौर देती है. शोषकों शासकों के विरुद्ध ऐलान करती है. कविता देखती है पंजाब के दहशत ज्यादा किसान, मौत से टकराव खेत खलियान करते हैं. कविता सुनती है गोली खाए आदमी का हाहाकार, औरतों का विलाप, बच्चों का चित्कार. कविता विद्रोह करती है अब एक क्रोच पक्षी नहीं, लाख लाख औरत मर्द बच्चों का वध अर्थनाद. कविता व्यवसाय होती तो ना वाल्मीकि होते, ना तुलसी, ना प्रेमचंद, ना गोरखी, ना लुसुन. और ना कविता हथियारों की तरह व्यवसाय की वस्तु बन जाती. हम कविता को नहीं जीते, कविता हमें जीती है. हमारा काल बोध कविता में ढल जाता है. हमारे प्यारे शील जी, थैंक यू सो मच.